कल भाई भाई की बाइक में हो गई है थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टार्टिंग में। इनकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है तो भाई की थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं, पैर लगा के भाई की बाइक को आगे तक पहुंचा देते हैं ताकि एटलीस्ट स्टार्ट तो हो जाए और मनाली तक तो ले जाएं। मैं पैर लगाने की कोशिश कर लेता हूँ भाई। आप पैर लगा रहे हो? चलो एटलीस्ट इनके पास एक बैकअप व्हीकल तो है, हालांकि वो टूर में से नहीं है इनके, बट भाई ने कहा कि हेल्प करेंगे। और यार यहाँ पे हेल्प करना बहुत ज़रूरी भी है। अगर मैं देख रहा था अभी कि GoPro है भी या नहीं, क्योंकि काफ़ी हल्का सा फील हुआ मेरे को भी हेलमेट। आप देख तो लो एटलीस्ट साइड में कोई खड़ा है, पता लग जाता है कि हाँ भाई हेल्प की ज़रूरत है या नहीं। मनीष भाई साहब तो वाई करते हुए निकल गए, इन्हें साइड में कोई खड़ा है तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कोई दिक्कत हो, इसीलिए खड़ा होगा बंदा। अब यहाँ पे देखते हैं भाई कुछ हेल्प हो आती है तो भाई की। तू आदित्य हिला तो वो आ गया, इनको इनकी बाइक खराब कर दी थी वहां, अभी ठीक करने नहीं आती। बट कुछ तो हेल्प करा ही सकते हैं ना, पैर लगा के ला सकते हैं। ओके GoPro फिलहाल व्यू ले लो, उसके बाद मैं GoPro को बंद कर दूंगा। ठीक है भाई लोग, GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग। उस खराब वाली बुलेट को पैर लगा के थोड़ा यहाँ तक ले आए हम लोग। यहाँ पे कुछ खाने के लिए रुके हैं, ये है दर्बलिंग, दर्बिंग से पहले ही आई गेस 2 किलोमीटर पहले एक जगह पड़ रही है। यहाँ पे खाने पीने की जगह भी है और लोग रुकते भी हैं। बाकी आप इस वैली की ब्यूटी देखो यार। सामने एक झील भी है, उस ट्रक के पीछे की साइड आप देखोगे तो एक झील भी दिखेगी। बाकी देखो यार, एक तो स्काई, स्काई इतना ब्यूटीफुल, इतना क्लियर, ऊपर से सीधा सीधा रोड यहाँ से। बाकी अपडेट यही है कि अभी कुछ खाते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ। होपफुली आज रात तक मनाली पहुँच जाएंगे, अगर नहीं पहुँचे तो उससे पहले कहीं ना कहीं रुक जाएंगे, क्योंकि सेफ्टी प्रायोरिटी। तो भाई लोग अगर आप दर्बलिंग की साइड आ रहे हैं या रुकना चाहते हैं, रात हो जाती है यहाँ पे आते हुए, तो आप आंटी की दुकान पे आ सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टे भी मिल जाएगा अराउंड बस 250 रुपीज़ पर पर्सन, यहाँ पे आपको रात को सोने को मिल जाएगा। काफ़ी कंफर्टेबल जगह है और आपको रजाई गद्दे सब मिल जाएगा अवेलेबल है यहाँ पे। और खाने पीने का भी आंटी के पास खूब टेस्टी सामान मिल जाएगा आपको, दाल चावल वगैरह नॉर्मल खाना है, कोई आपको ज़्यादा हार्ड फूड नहीं मिलेगा, जंक फूड नहीं मिलेगा, बर्गर वगैरह नहीं। यहाँ पे आपको दाल चावल रोटी सब्जी नॉर्मल खाना एकदम घर जैसा मिल जाएगा। तो आप दर्बलिंग आते हैं तो यहाँ रुक सकते हैं। तो फाइनली भाई की बाइक स्टार्ट हो गई, अब भाई मनाली जा सकते हैं आराम से। अभी भी हम कुछ खा लेते हैं, चाय ऑर्डर दे दी है, कुछ खाने के बाद हम भी निकल जाएंगे। आई हैव गॉट अ सुवेनियर फ्रॉम लद्दाख, इसको मैं ले आके अपनी पहली ट्रिप की याद में सजा के रखूँगा। ये पीछे वही आंटी की शॉप है जो अभी मैं आपको दिखा रहा था। अभी अराउंड 12:30 का टाइम हो रहा है, यहाँ से निकलते हैं अराउंड 280-270 के आसपास, यहाँ से मनाली रह गया होगा। देखते हैं अगर रात होने तक मनाली पहुँच पाते हैं, नहीं तो सर्चू में देखते हैं कहीं स्टे मिलेगा तो वहाँ रुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं ऐसी। ठीक है भाई, सुविनर पहले लद्दाख ट्रिप,
याद रहेगा ये, इसको सजा के रखूंगा मैं फ्रेम करा के। ठीक है निकलते हैं यहाँ से, बहुत देर हो गई यहाँ रुके रुके। ये जो रेस्टोरेंट है उसका नाम है संस्कृत रेस्टोरेंट, वेज प्योर वेज मिलेगा आपको यहाँ पे। और ये है सामने जो खड़े हुए हमारे, ये खड़े हुए हैं साइकिल बाबा, ये घूमते रहते हैं साइकिल पे, इनको बहुत सारे यूट्यूबर्स जानते भी हैं और बहुत सारे नॉर्मल लोग भी जानते हैं इनको। ये साइकिल पे ही टूर करते हैं अपना। सो अभी हमें काफ़ी लेट हो गया, अराउंड 45 मिनट्स का ये ब्रेक हो गया है। ठीक है यार, थोड़े बहुत ब्रेक चलते रहेंगे क्योंकि भाई ज़्यादा हौच पौच नहीं करना है, आराम से अपना रास्ता कवर करना है। निकलते हैं अभी यहाँ से। ये साइकिल बाबा, अभी यहाँ से निकलते हैं। सुविनर मैंने अपना रख लिया है, सुविनर रख लिया मैंने संभाल के, चलते हैं आगे, रुकेंगे कहीं 50-60 किलोमीटर बाद। अब रोड अच्छा है, चलते रहेंगे, अभी काफ़ी सारे और पासिस आने वाले हैं, छोटे छोटे पासिस होंगे मतलब इनके कंपेयर में। तो ये सारे अराउंड 17,000 फीट के थे जो अभी हाल फिलहाल में एक दो दिन में हमने कवर किए थे, अब जितने भी पासिस आएंगे वो होंगे अराउंड 14,000-13,000 फीट के। तनलंगला पास अराउंड 17,482, ये वो व्यू है जो मैं अभी आपको कह रहा था कि रेस्टोरेंट के सामने बहुत अच्छा व्यू है। और आंटी के रेस्टोरेंट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि रात को अगर लेट हो जाते तो आप रुक सकते हो, बस 250 रुपीज़ लेती हैं वो, और ब्लैंकेट वगैरह आपको मिल जाएगा वहीं रुकने के लिए, तो नॉट अ बिग डील। फटाफट से मनीष आ जाए, थोड़ी स्पीड पकड़े क्योंकि रोड बहुत अच्छा है यहाँ पे, और व्यू तो क्या ही कह सकते हैं यार, क्या ही व्यू है, जहर व्यू है, जहर मतलब हम जमुना पारियों की भाषा में अगर बोलूं तो जहर व्यू है एकदम भाई, एक नंबर चौकस। मैं यार बी रोल्स वगैरह भी ज़्यादा नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मैं बी रोल्स ले रहा था सेल्फी स्टिक में लगा के, और सेल्फी स्टिक चली गई हमारे बेचारे प्यारे एस जे कैम के साथ। चलो कोई बात नहीं, होता रहता, लाइफ है। एस जे कैम गया है, डीजे एक्शन आएगा, डीजे एक्शन 1 लेने की सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि गोप्रो तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा यार। वैसे DJI Action 1 ज़्यादा कहीं अवेलेबल है नहीं, बट दिल्ली में एक जगह पे अवेलेबल है, GP Pro लाजपत नगर, तो अगर आपको चाहिए हो तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो या फिर खुद जाके भी ले सकते हो, दिल्ली वाले तो जाके ले सकते हैं यार। क्योंकि देखो GoPro 9 भी अगर आप लेते हो तो अराउंड 36-37,000 का पड़ेगा, और DJI Action 1 आपको पड़ेगा अराउंड 22-23,000 रुपये का। और अगर आप कंपेयर करोगे ना फीचर्स के मामले में, तो उसमें भी फ्रंट स्क्रीन मिलेगी आपको व्लॉगिंग के लिए, इसमें भी फ्रंट स्क्रीन मिलती है 8 से अलग जो है, और परफॉर्मेंस के मामले में बस हल्का फुल्का ये मान के चलो 19-20 का फ़र्क है, दोनों की परफॉर्मेंस आजू बाजू ही है। और उसकी एक चीज़ अच्छी है कि उसका जो माइक अडाप्टर है ना, वो ऐसे GoPro का वायर जैसा नहीं है, वायर वाला नहीं है, इसकी वायर ख़राब हो जाएगी थोड़े टाइम बाद, मुड़ मुड़ के अंदर से टूट जाएगी, जिसकी वजह से नया अडाप्टर लेना पड़ेगा मेरे को। सबके साथ होता है ये इशू, नॉट अ बिग डील। अब भाई किसी चीज़ की कोशिश कर रहे हैं तो पूरी तरीके से करेंगे ना, कोई बात नहीं, थोड़ा खर्चा होगा, बस आप लोग सपोर्ट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा ये रहेगा ना यार, थोड़ा बहुत अगर YouTube से पैसा आने लग जाएगा तो और ज़्यादा पांग इस 43 और ज़्यादा हम लोग ट्रैवल कर पाएंगे आप लोगों के लिए, और ज़्यादा कंटेंट लेके आ पाएंगे। और कंटेंट से ज़्यादा पता क्या होता है, जो कि मेरे जैसे लोग होंगे, मैं आज से पता नहीं कितने साल पहले से अदर यूट्यूबर्स की वीडियोस देख देख के ही तो मोटिवेट हो रहा था कि हाँ लद्दाख करना, और ना मेरे ना ही बस की था, ना ही मेरे पास इतना इनकम सोर्स था कोई कि मैं लद्दाख कर सकूँ, वो मोटिवेशन था यार यूट्यूब देख देख के ही आया था, जिस मोटिवेशन ने मेरे को यहाँ तक पहुँचा दिया है। आप लोग सपोर्ट करोगे, मैं और वीडियोज़ अच्छे अच्छे बनाऊँगा, मेरे से कुछ लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, अगर 10 लोग भी मेरे से मोटिवेट हो गए अपना ऐसा ड्रीम ट्रिप कर पाते हैं, तो भाई इससे अच्छा क्या ही हो सकता है मेरे लिए। तो सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक कर देना, शेयर कर देना,
अभी के लिए इतना ही है, बाकी सब बढ़िया है, बस सब चंगा सी। GoPro stop recording।